आप देख रहे हैं समर्थ सारा न्यूज में आपके साथ नेहा आई है। बढ़ते खबरों की शुरुआत। सीएए को लेकर फैली भ्रामक जानकारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नरसिंहपुर करेली के गढ़वाल परिवार ने एक अनोखा तरीका निकाला है जो न केवल चर्चा का विषय बना हुआ है बल्कि लोगों को काफी प्रभावित भी कर रहा है। दरअसल करेली दौलत के सुपुत्र प्रभात की कल सोराहापुर के हरी सिंह की बेटी से कल शादी होनी है और सीएए का समर्थन करने और उसके प्रति फैली भ्रामक जानकारी के लिए दुल्हा प्रभात ने लोगों को जागरूक करने के लिए शादी के अपने कार्ड पर आई सपोर्ट सीएए लिखवाया है ताकि दूसरे लोग भी संवैधानिक कानून के प्रति आस्था और निष्ठा रखते हुए उनका आदर कर सके। प्रभात का कहना है कि प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का आदर करे और दूसरों को भी जागरूक करे। साथ ही जो भ्रामक जानकारियां हैं दुष्प्रचार किया जा रहा है उससे लोगों को जागरूक किया जा सके इसके लिए उन्होंने अपने शादी के कार्ड पर स्वयं के निर्णय से आई सपोर्ट सीएए लिखवाया है। वहीं उसके रिश्तेदार भी कहते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया गया है ताकि जिस किसी को भी सीए के बारे में जानकारी न हो वह कार्ड में पढ़े और हमसे पूछे तो हम भी उन्हें सीए के बारे में उन्हें जानकारी भी दे सके और तथा जिनके मन में सीए को लेकर कुछ शंकाएं हैं उनकी शंकाओं को दूर कर उन्हें सही जानकारी से रूबरू करा सके। इसके लिए हमने शादी के कार्ड में आमंत्रण के साथ जागरूकता का भी एक प्रयास किया है। इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, कोई विशेष कारण नहीं है, बस लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य था और इच्छा थी मन में कि लोगों को जागरूक करना है। इसके लिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है सीए को लेकर उस भ्रम को दूर करना चाहता हूँ। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा क्या, न्यूज चैनल देखता हूँ, सबको देखता हूँ, पढ़ा लिखा नागरिक हूँ तो फैसले खुद के रहेंगे मेरे। जो चीज़ सही है सही का समर्थन करूंगा, जो चीज़ गलत है उसका विरोध ही करूंगा। उसका रीजन यही रहा है कि सीए को लोग समझें जानें और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो शादी का कार्य दिया गया है तो आकर हम ही से पूछ सकते हैं कि सीए के सपोर्ट क्यों किया तो हम उनको समझा सकते हैं कि ये विरोध करने वाला कोई मसला नहीं है। जिसके ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है, पक्ष विपक्ष की एक दौड़ाबाजी है जिसमें जो युवा वर्ग है या अन्य समुदाय है वो अपने आप को डर महसूस करते हैं कि सीए कोई कानून आ रहा है हमको भगा दिया जा रहा है। भारत में ये कानून किसी को भगाने या किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। सीए कानून को समझना लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ सीए कानून को सपोर्ट करें और समझने की पूरी कोशिश करें।